Hello students, how are you? I hope you are in good health. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स हम अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले की वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट के कंप्लीट इलस्ट्रेशन करी थी, जिसमें हमने विदाउट GST और विदाउट एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन को किया था. आज भी हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर GST कंसेप्ट को लेके आएंगे. स्टूडेंट्स आप जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के सिनेरियो में GST कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में GST कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन आएगा. तो अभी हम एक हल्का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें GST कंसेप्ट को समझेंगे. हम एक इलस्ट्रेशंस लेके आए हैं. ये इलस्ट्रेशंस हम TS ग्रेवाल की बुक से लेके आए हैं. इलस्ट्रेशन नंबर है 24 और आपका चैप्टर है 18, चैप्टर पेज नंबर 18.45. इस इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स GST का इनपुट्स और आउटपुट्स की फिगर्स दी हुई हैं. इसको हमने एडजस्ट करना है बैलेंस शीट्स के अंदर. इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे. अभी हम सिर्फ से क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा. आपके पास अगर TS ग्रेवाल की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो मैं इस इलस्ट्रेशंस का स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में लगा दूंगा, जिससे कि आप इसको आराम से आप इसको देख सको. अभी मैं इलस्ट्रेशन को पढ़ रहा हूँ. जैसे जैसे जो आइटम्स आते रहेंगे मैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स में पुट करता रहूँगा, और जब GST का पार्ट आएगा उसको हम क्वेश्चन के बीच में ही समझेंगे. तो चलिए मैं अभी इलस्ट्रेशन को पढ़ता हूँ. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सैंड फोर्ट एट 31st March 2018. ड्रॉ द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द बैलेंसेज देयर फ्रॉम. ट्रायल बैलेंस दी हुई है स्टूडेंट्स एज एट 31st March 2018 की. सबसे पहले आपने ये देखना होता है मैच हो रही है कि नहीं हो रही. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच हो रही है. 7,30,000 इसका दोनों तरफ का बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट साइड का. और आपको आइटम्स दिए हुए हैं, उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट और इन सब अकाउंट्स में हमने उनको पुट करना है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला आइटम है कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000. स्टूडेंट्स कैपिटल आपको पता है कहाँ जाती है, बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में जाती है. तो हम कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लिखेंगे अभी इनर कॉलम में. कैपिटल है 1,50,000. क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि हो सकता है ड्राइंग्स भी आए इसके अंदर जिसको हमने माइनस करना होगा, और जो P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफ़र होके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा. तो इसलिए हमने भी इसको इनर कॉलम में लिखा है. जब हम पूरा कर लेंगे इसको तब हम इसको फाइनल फिगर, हम नेट फिगर हम आउटर कॉलम में लिख देंगे. नेक्स्ट है कैश एट बैंक 10,000 और कैश इन हैंड 5,000. ये भी हमारी करंट एसेट्स हैं, हमारी बैलेंस शीट्स की में आएगा एसेट साइड में. कैश एट बैंक 10,000 और कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 5,000. और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. मशीनरी 1,00,000 रुपीज और फर्नीचर 13,000 रुपीज. दोनों अभी बैलेंस शीट्स के आइटम्स हैं. मशीनरी हमारी ये फिक्स्ड एसेट्स में आ गई. मशीनरी 1,00,000 रुपीज और फर्नीचर है 13,000 रुपीज. और आगे चलते हैं. परचेजेस 2,00,000 रुपीज. परचेजेस हमारा आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. अभी हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक. फिर हम लिखते हैं परचेजेस. टू लैक्स रुपीज़ है स्टूडेंट्स. अभी हम इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं. हो सकता है हमारा परचेज रिटर्न हो तो हम परचेज रिटर्न लिख देंगे. यहाँ पे टू लिखना नहीं भूलने का है. वेजेस 50,000 रुपीज़. टू वेजेस 50,000 रुपीज़. इसको तो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख ही सकते हैं. टू कैरेज, कैरेज लिखा है स्टूडेंट्स. कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा हुआ है. अगर सिर्फ से कैरेज ही लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, हमारे P&L अकाउंट में जाता. टू कैरेज ये है 33,000. नेक्स्ट आगे चलते हैं. सैलरीज, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. डायरेक्टली ये हमारी प्रोडक्शन से या गुड्स परचेजेस से रिलेटेड नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ से शुरू कर देते हैं. P&L अकाउंट
तो सैलरीज है 70,000, सैलरीज 70,000। और आगे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड है 4,000, डिस्काउंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। और अगर आपको डेबिट साइड में दिया हुआ हो, यहाँ तो अलाउड लिख दिया है, इनकेस अलाउड ना लिखा होता, सिर्फ से डिस्काउंट लिखा होता और आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्सपेंस है। अगर यही डिस्काउंट अगर लिख के आपको क्रेडिट साइड में लिख देते तो आप मान के चलिए कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड में आता। तो यहाँ ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम इसको लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपीज़, एक्सपेंस आइटम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखिए अलग से दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के, तो ये हमारा रेवेन्यू आइटम्स हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बाय, अभी ग्रॉस प्रॉफिट की जगह छोड़ दीजिए एक जगह, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे चलें, यहाँ पे टू लगाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगेन पी एंड एल आइटम है, तो टू एडवर्टाइजिंग कितने का है, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज, अगेन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 40,000 रुपीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। नेक्स्ट है सेल्स 5 लाख रुपीज़, सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का आइटम है, तो हमारा आ गया बाय सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स 90,000 और क्रेडिटर्स 47,000 रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स हमारे हैं बैलेंस शीट्स में एसेट्स का आइटम है, सन्ड्री डेटर्स 90,000 और क्रेडिटर्स हमारे शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हमारी 47,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,000। इसके बाद स्टूडेंट्स इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दिया हुआ है। इसको अभी हमें बैलेंस शीट्स में अभी कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको भी हम समझेंगे। हमारी बाकी एंट्रीज पूरी हो गई हैं, इसका मतलब परचेजेस रिटर्न नहीं है, हम परचेजेस को हम आउटसाइड में लिख सकते हैं 2 लाख रुपए के। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं जीएसटी कंसेप्ट को, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जीएसटी कंसेप्ट को बताऊंगा, किस तरह से हम जीएसटी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। आपको मैं बता दूँ, मैंने जीएसटी के ऊपर 4 वीडियो सेपरेट डाले हुए हैं, मेरा अपना वीडियो सीरियल नंबर है 13, 14, 15, 16, 13 to 16। आप अगर उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको जीएसटी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊँगा। अगर हम कुछ भी गुड्स खरीदते हैं, कुछ मटेरियल ख़रीदा या हमने मशीन खरीदी या फर्नीचर ख़रीदा और उस पर अगर जीएसटी हमें देना पड़ रहा है, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। अगर वो गुड्स हमने सेम स्टेट में सेल परचेज हुआ है, अगर हमने वो गुड्स हमने किसी और स्टेट से ख़रीदा है, तो हमें आईजीएसटी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब परचेजेस के टाइम पे हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है टू द वेंडर जिससे हमने कि गुड्स ख़रीदा है, और अगर हम जब सेल कर रहे हैं तो हम वो जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से जिसको हमने कि अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेजेस के टाइम पे जब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं, तो हम सीजीएसटी भी दे रहे हैं और एसजीएसटी भी दे रहे हैं। जब हम परचेजेस के साथ में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनपुट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये सबको हम डेबिट करते हैं और टू पेमेंट करते हैं। अगर कैश से पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट हम ये जनरल एंट्री बनाते हैं। अब हमने इसी गुड्स को मान लीजिए हमने बेचा है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हमने अगर कैश रिसीव किया है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
अब जो हम यहाँ पे जो CGST और SGST कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे आउटपुट, टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ध्यान रखिएगा यहाँ पे परचेजेस के एकदम नीचे हमने इनपुट CGST और SGST लिखना होता है, यहाँ पे सेल्स के नीचे हमने आउटपुट CGST SGST लिखना है। सेल हमारी फर्नीचर भी बेच सकते हैं, मशीन भी बेच सकते हैं, गुड्स भी बेच सकते हैं, इसी तरह परचेजेस भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हम एंट्री बनाते हैं। अब इसको हम आउटपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है, हमने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हमने ये अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है। अब कलेक्ट कर लिया है तो इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा भी तो करना है। गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको पूरे अमाउंट को जमा मत करो, आपने पे भी तो किया है, इसी गुड्स को खरीदते वक्त आपने पे किया है, तो ये इनपुट है, तो आप इनपुट में से माइनस करके अगर कुछ बचता है तो वो दे दो। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेट ऑफ ऑफ GST। तो हम क्या करते हैं, अगर इनपुट की फिगर ज़्यादा है तो हम उसमें से आउटपुट को हम माइनस कर देते हैं, और अगर आउटपुट की फिगर ज़्यादा है इनपुट की फिगर कम है तो हमें बैलेंस जो फिगर बची है हमें उसको गवर्नमेंट को पे करना है। अब हम समझते हैं इसको सेट ऑफ कैसे करते हैं। आपको यूजुअली तीन हेड मिलेंगे CGST SGST और IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। अब इसको सेट ऑफ कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इनपुट CGST और इन सब इनपुट्स को आपको कैसे सेट ऑफ करना है। गवर्नमेंट कहती है कि इनपुट CGST को आप आउटपुट CGST से सेट ऑफ कर लो, आउटपुट CGST। फिर भी अगर बैलेंस बच जाता है तो आप उसको सेट ऑफ करो आउटपुट IGST से, मतलब इनपुट CGST को हम इन आउटपुट SGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनपुट CGST होता है हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट, और जहाँ SGST लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। इनपुट SGST को हमने सेट ऑफ करना है आउटपुट SGST से, और उसके बाद भी अगर इनपुट की फिगर ज़्यादा है बचा हुआ रह जाता है तो हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट IGST से। तो इसका मतलब क्या हुआ, SGST को हम CGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसी तरह CGST को हम SGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते। CGST को CGST से ही सेट ऑफ करना है, उसके बाद भी अगर कुछ फिगर बची रह जाती है तो हम IGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड, जो IGST है मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हुई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांजेक्शन्स हुई है, इनको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स विद इन द सेम स्टेट। अब इनपुट IGST को हम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, हम आउटपुट IGST से। और इन केस अभी भी बचा हुआ रहे, इनपुट की फिगर ज़्यादा है आउटपुट की फिगर कम है, तो हम आउटपुट CGST से हम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम IGST को SGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आना ही है, यही आपके क्वेश्चंस में आया हुआ है। आउटपुट का मतलब होता है हमारी लायबिलिटी और इनपुट का मतलब होता है हमारी एसेट्स। एसेट्स हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको पे नहीं करना हमें, और आउटपुट को हमें पे करना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा, उसमें देखते हैं कि हमें क्या फिगर्स दी हुई हैं जो हमें बैलेंस शीट्स में हमें सेट ऑफ करके ही लिखनी है। तो मैं अभी इसको रब करता हूँ, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपके क्वेश्चंस में है इनपुट CGST 10,000, इनपुट SGST भी 10,000 और इनपुट IGST 15,000। इनपुट CGST हमें दिया हुआ है 10,000, ये भी 10,000 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमें 15,000। ये इनपुट्स जो हैं हमारी एसेट्स आइटम है, यहाँ वाले आइटम्स हैं।
और आउटपुट देखते हैं कितना दिया हुआ है। अगर आउटपुट है तो हमारे लाइबिलिटी आइटम्स हैं। आउटपुट दिया हुआ है CGST 8,000, SGST भी 8,000 और वो 12,000 है। अब देखिए आउटपुट जो दिया हुआ है CGST के नीचे मैं CGST लिख रहा हूँ 8,000, ये भी 8,000 दिया हुआ है। SGST आउटपुट 8,000, आउटपुट IGST दिया हुआ है 12,000। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कौन सी फिगर ज़्यादा है, इनपुट की ज़्यादा है या आउटपुट की ज़्यादा है। इनपुट की ज़्यादा है ना, ये इनपुट्स हैं सारे। तो आप ये देख लीजिए यहाँ 2,000 हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे भी 2,000 बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3,000 बचा हुआ है। इनपुट ज़्यादा है क्योंकि बैलेंस बचा हमारा इनपुट। इनपुट CGST हमारा बचा 2,000, इनपुट SGST 2,000 और इनपुट IGST 2,000। ये क्योंकि इनपुट है तो हमें यहाँ एसेट साइड में लिखना है, ये हमारी एसेट्स हो गई। इसको हम नेक्स्ट मंथ में अपने आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये आ गया 2,000, 2,000 और 3,000। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझना है। इन केस अगर आउटपुट की फिगर ज़्यादा होती, इनपुट की कम होती, तब हम उसको लिख देते यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे क्योंकि हमारा इनपुट की फिगर ज़्यादा है तो हमारी एसेट साइड में आ गया। हमने इसको एज इट इज़ फिगर्स को लाइबिलिटी और एसेट्स में नहीं दिखाना है, हमने सेट ऑफ करने के बाद ही दिखाना है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं, अब हमने सिर्फ से बैलेंस ही निकालना है। हम सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर बैलेंस शीट को टैली करेंगे। ओपनिंग स्टॉक की फिगर हमने नहीं डाली स्टूडेंट्स। ओपनिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ है, शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, 30,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम यहाँ 30,000 लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मस्ट होगा, आपको हमेशा दिया हुआ होगा। जैसे अभी मैं यहाँ भूल रह गया, हमारा मिस कर गया लिखने से, तो आपने चेक करना है कि ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। हो सकता है परचेज रिटर्न ना हो एक दफ़े को, सेल्स रिटर्न ना हो, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा तो इसकी दो बार एंट्री करनी पड़ेगी आपको। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। और कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारी करंट एसेट्स होती है, हमारा जाएगी एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना शॉर्ट में, 50,000। चलिए अब हमारा सारे काम हो गया, अब कुछ भी हमारा बाकी नहीं है। हमने सिर्फ से बैलेंसिंग निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट्स को हमने टैली करना है। चलिए सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा ही होना चाहिए अगर प्रॉफिट है तो ये आ गया 5,50,000। यहाँ पे भी हम 5,50,000 दिखा देते हैं और बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब 5,50,000 में से आप इनको माइनस करोगे तो ये फिगर बच रही है स्टूडेंट्स 2,37,000। 2,37,000 हमारा यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब P&L अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया तो आप लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,000। अब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 2,42,000। 2,42,000 इसके अलावा 2,42,000 आप दोनों साइड लिख लीजिए और इसमें से आप ये फिगर्स को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 78,000। 78,000 इज नेट प्रॉफिट डेट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, ये आपने लिखना है स्टूडेंट्स। टू, अब नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिख देते हैं, इनर साइड में हमने कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो आपने लिख देंगे नेट प्रॉफिट 78,000 आप ऐड कर दीजिए इसमें, और अब आउटर फिगर में लिख दीजिए 2,28,000 आ गया। चलिए अब बैलेंस शीट्स को हमें सिर्फ से टोटल करना है 2,75,000। आप इस साइड का भी टोटल करेंगे तो आपका 2,75,000 आएगा। अगर ये टोटल टैली हो रहा है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हमारी सैलरी एंट्रीज ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मेनली आपको GST कंसेप्ट को समझाना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अब एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ में आएंगे, GST के साथ भी आएंगे, आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि आगने वाले कुछ वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए और हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।